नमस्कार। आज की शुभ संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा नाटक श्री के एस राजेंद्र जी को समर्पित है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये नाटक पसंद आएगा। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक वेडिंग एल्बम। सपना दे जा रे सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे बिंदी अखी उड़ते पाखीरे अखियों में आ जा साथी रे रारी रारू क्या बुरी बला है। वह घर में तो वक्त काटना भी मुश्किल है। ये कैसी रहेगी इंदिरा काकी के लिए और ये शायद मित्रा काकी के लिए। इतनी सुंदर साड़ी इंदिरा के लिए, उसने हमें खाने पर नहीं बुलाया, 9 साल में एक बार भी नहीं। कम से कम उनकी बोली तो मीठी है। मीठी बोली? हाँ, मीठी छुरी बोल मीठी छुरी। मुस्कुराती तो ऐसे है जैसे टूथपेस्ट का ऐड दे रही हो। अंदर से बिल्कुल इमली है इमली। खैर छोड़, तू ये देख, ये देख, ये कांजीवरम तुझे क्या लगता है हेमा को पसंद आएगी? यक्का का रंग नहीं है,
कम से कम मैंने तो उन्हें इस रंग में कभी नहीं देखा। जानते ही हो, यूं है, मैं भागदौड़ नहीं कर सकता। रामदास होता तो बिल्कुल अनमोल होता, और तुम्हारी शादी में तो सारी भागदौड़ ही भाई उसने की थी। मेरी शादी? मुझे तो किसी की भागदौड़ याद नहीं आ रही। ये कैसी रहेगी? किसके लिए? तुम्हारे लिए। माँ ने तुम्हारे लिए चुनी है, पर मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा रंग। क्यों? अच्छी है, बहुत अच्छी, लवली। देखो माँ से ज्यादा पसंद नहीं। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कार चुनी। अगर तुझे पसंद नहीं तो साफ साफ कह दे। ये सब क्यों? ये सब क्या मतलब? मैंने क्या बोला? विदु, तो इससे निपट ले। हेमा, साड़ी के साथ ये धोती भी तेरे पति के लिए। साड़ी काफी है ना माँ, वो ऑस्ट्रेलिया में धोती का पहनेगा। हेमा, ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया, हमारे यहाँ की यही रीत है। और सुन, धोती के साथ ये चेन भी ले। इतना महंगा चेन? माँ, वो अंगूठी तक नहीं पहनता है। एक्सक्यूज मी, मुझे अनपैक करना है। इतने सारे बिनबुलाए मेहमान, मुझे टाइम ही नहीं मिला अनपैक करने का। हर साल की वही कहानी, आने के बाद दो दिन ठीक रहती है, फिर ना जाने क्या हो जाता है, इसके तेवर ही बदल जाते हैं। बच्ची का मुंह देखने के लिए पूरा साल तरसती हूँ। देखो, ये शादी वाकई होगी या नहीं मैं नहीं जानती। बेहुदा बातें मत करो। खैर, जब होगी तब होगी, पर तब तक हम हंसते खेलते तो रह सकते हैं ना, शायद ढूंगी क्यों ना। देखो हेमा, 15 साल बीत चुके हैं, तुम पुरानी बातें क्यों उखाड़ रही हो? मैं उखाड़ रही हूँ? देखा, तभी मुझे अपने कमरे में रहना पसंद है, अकेले चुपचाप। हेमा, कह तो रही थी कर्ज ले लेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे, थोड़ा वक्त तो दो। लेकिन तुम तो थोड़ा वक्त भी ना दे सकी, 3 महीने ना रुक सकी। शादी करके उठ जो जाना था एक बार, भगवान जाने कैसा उतावलापन था वो। उतावलापन? बैंक रुकी रहती क्या, वो भी 3 महीने। हेमा, रोहित उस वक्त कॉलेज में था और विदु स्कूल में।
बड़ी शादी करना हमारे बस की बात थी क्या? बड़ी शादी? किसने की थी बड़ी शादी की मांग? अरे भाई अब क्या हो गया तुम लोगों को, हर वक्त घर का जंगल बना दिया है तुम लोगों ने। एक सेकंड अप्पा, बड़ी शादी किसने की थी बड़ी शादी की मांग? मेरा बेचारा पति, उससे तो सिर्फ इतना कहा था ना कि आपके सामने सात फेरे हो बस, वो इतने में ही खुश हो जाता। उससे कुछ बोला नहीं और आपने कुछ कहा नहीं। अरे नेकी और पूछ पूछ, अगर उसने बड़ी शादी की मांग की थी तो शादी तो धूमधाम से करते ना। हेमा तुम गवाह थी, तुमने देखा था, कितनी विनती की थी मैंने तुम्हारे पिताजी से, पैर तक छूने को तैयार थी, बोला था मैंने इनसे बेटी दामाद शादी करके दूर परदेश जा रहे हैं, कुछ जेवर ही बना दो, लेकिन ये मेरी सुनते हैं क्या? मुझ पर गुर्रा है और बोला जब जमाई को कुछ नहीं चाहिए तो तुम क्यों उछल रही हो सोने पे सुहागा। देखो भाई, मैं गरीबी में पला बड़ा हूँ, मेरा भाई रामदास और मैं एड़ी से चोटी का पसीना एक किया हमने, अक्सर सारे दिन मेहनत करते थे, खाने के लिए केवल क्या मिलता था, एक कटोरी लपसी, दाने दाने के लिए तरसते थे हम लोग, कभी इस रिश्तेदार के यहाँ तो कभी उस रिश्तेदार के यहाँ, कहीं कोई हमें दो दाने ही खिलाते, भला हो हमारी सारस्वत एजुकेशन सोसाइटी का। बस एक एक शब्द हजार बार सुन चुके हैं हम, सब जानते हैं, अब बस कीजिए। मुझे तुम्हारे सामने मुंह खोलना ही नहीं चाहिए, तुम तो मुझे बोलने ही नहीं दोगी, इससे अच्छा तो मैं बेहतर अंदर ही बना हूं। अभी 5 नहीं बजे ना, स्कूल से भी लौटे नहीं होंगे। अरे अब तुम इन साड़ियों में कुछ तय करो तो ठीक, मुझे बहुत काम पड़े हैं। अम्मा लो कर लो बात, अब 2 घंटे पहले रसोई घर से नहीं निकलेंगी, साड़ियां चुनने का तो हो चुका सब। आधे घंटे बाद स्कूल से लौट जाएंगे तब कॉल कर लूंगी। तुम जीजू को इतना फोन क्यों करती हो? बेचारी जीजू कितने अच्छे पिता है, कितना ख्याल रखते हैं बच्चों का, तुम उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देती? तुम्हारे जीजू एक नंबर के मुलक्कर है, खासकर बच्चों के मामले में, जहाँ तक बैंक का सवाल है नो प्रॉब्लम है नो। पर वो तो चीफ कमर्शियल ऑफिसर है। वाओ तुम नहीं जानती हम सबको उन पर कितना अभिमान है, मैंने परसों ही अश्विन को बताया तो कहने लगा कि हम सारे भारतीय कमर्शियल दुनिया पर छा जाने वाले हैं, सारे मल्टीनेशनल्स, इंटरनेशनल बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, सबके टॉप पोजीशंस पर हमारे ही लोग हैं, इंडियन। और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, और गौरी मैम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अपने पति के पीछे पीछे तो जाएंगी। हम भारतीय नारी सती सावित्री की तरह मुंडी नीचे किए अपने पति की सेवा करने उनके पीछे पीछे दौड़ जाती है, तो ताजुब की बात है ना कि सारे टॉप जॉब्स हमारे मर्दों को मिलेंगे। तो मुझे देख लो, कभी जॉन्सबर्ग, सिडनी, सिंगापुर, तुम्हें एक बात बताओ, मेरी हालत माँ की हालत से कोई बेहतर नहीं है। मैंने सुन लिया। डार्लिंग तुम नहीं जानती कि मैं मत
नहीं, मुझे सैंडी फोन करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, जीजू की चिट्ठियों का जबरदस्त असर होता है तुम पर। नहीं ऐसा नहीं है, केतन फोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो ठीक ठाक हो बस। केतन ठीक क्यों नहीं होगा, वो अब काफी बड़ा हो गया है, उस विवान से भी बड़ा। उसी का तो डर है। बहुत हो गया, मेरे कानों को कुछ नहीं हुआ है माँ। मैंने आपकी बात सुनी पर आपको दिखाई नहीं देता वो त्रिफला के दादे कितने छोटे हैं। इतने सालों से खाना पका रही हूँ, आपको क्या लगता है कि मुझे ये नापतोल का अंदाजा नहीं। जानती हूँ खाना बनाने में कितनी माहिर है, शेखी मंगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने तुझे कितनी बारी के समझाया कि मसाला डालने से पहले मुझे दिखाओ, लेकिन नहीं दिखा रहे हो, तेरी औकात घटती है, कुछ ज्यादा ही घमंडी है राजा भाई। तो खाना बनाने की जिम्मेदारी आप अपने हाथ क्यों नहीं ले लेती हा? मुझे खाना पकाने के लिए रख रखा है मगर हर छोटी से छोटी बात मुझको बताएंगी जैसे कि मैं कोई उल्लू हूँ। इतना मिर्च, इतना नमक, इतना छौंक, अरे मैं क्या कोई अंगूठा चूसती बच्ची हूँ क्या? अच्छा जी, अगर मुझे किचन में तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। सच है नागप्पा ने कभी आवाज नहीं उठाई, अब
ना आधा दम फ्रॉक उठाने में जो लगाता था। क्या क्या कहा तुमने? अजीब अजीब जगह हाथ लगाता था। पर तुम तो इतनी छोटी सी थी, हम तुमको उसके पास छोड़ जाते कि तुम्हारा देखभाल करेगा, हिफाजत होगी दोगला कहेगा। पर तुम भी, तुम तो बड़ी थी। बीवी को घर छोड़ाते हैं और खुजली मचे तो उसको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। फिर तो शायद रसोईदारा नहीं रखना बेहतर है। शायद, मुझे पता लगाने का कभी मौका नहीं मिला। मुझे सिडनी फोन करना चाहिए। आज सुबह ही तो तुमने जीजू से बात की है। तब से लेकर अब तक बहुत लंबा दिन बीत चुका है। शादी तो होगी ही 99% नहीं होने का कोई कारण नहीं। What is this, Rohit? This is 21st century. हमने उनकी इतनी ऊटपटांग बात को मान भी कैसे लिया? अगर हमें पता होता ना तो हम बिल्कुल ना मानते। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो भी मोबाइल और वीडियो पे, और उसके मुताबिक अभी तक कुछ पक्का नहीं है ना। मैं बोलूं सब रद्द कर दो, बता दो उसे अभी फौरन, हमारी विधु को 100 लड़के मिल जाएंगे उससे अच्छे। हमने दूल्हा भीख में थोड़ी ना मांगा था, उन्होंने हमसे विधु का हाथ मांगा था, और अब एंड मौके पर। माँ जरा समझदारी से काम लो। सोचता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? ना कटवा के रख दी हमारी, बोल दो उसे हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लोग क्या करेंगे, सारे शहर में लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। ये सब हमें मंजूर था और हमने हाँ भी की थी, अब बिना वजह ये ना कैसे कर दे? मुझसे नहीं होगा। बिना वजह? बेटा शादी से पहले पूछो अपनी माँ से, मैं सिर्फ 6 बार मिला था छुपके, पर हमने तो कभी ऐसा ये सब तमाशा तो नहीं किया था। अरे अप्पा, रोहित इनविटेशन कार्ड से छुपा लेते हैं। आधे घंटे में हो जाता है।
कोई भी निर्णय लेने से पहले ये ध्यान रखना, शादी के लिए मैंने तगड़ा एडवांस भी दिया है शादी के हॉल के लिए। अप्पा, आपका एडवांस कहीं नहीं जाएगा, मैनेजर मेरा दोस्त है। क्या आप लोगों को सिर्फ इन बातों की फिक्र लगी है? शादी का हॉल और इनविटेशन कार्ड, क्या मेरी नींद उड़ गई है? आधी आधी रात को नींद टूटती है, कांपती हुई उठ बैठती हूं। I know Vidhu, it must be very dreadful for you. पर दो दिन देखो उसके साथ, तुम्हें फिर ठीक ना लगे तो। दो दिन? तुमने और जीजू ने तो 2 साल लिए थे एक दूसरे को जानने के लिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता दो मैं तुमको, शादी से एक दिन पहले मेरा पेट खराब हो गया था, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चंद्रकांत के कंधे पर सर रख के रोई थी कि प्लीज शादी की तारीख आगे बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। वो माने क्या? हाँ, तारीख आगे बढ़ाने को याद नहीं, 10वां महीना लगते ही हमारी हेमा की पहली बेटी हो गई थी। माँ प्लीज, हम अपनी शादी की बात नहीं करें। देखो भाई, कुछ भी कह लो, शादी और जुए का खेल एक ही है। विदुला, तुमने अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया या नहीं? सॉरी, भूल गई, कल कर दूंगी। कल कर दूंगी। कल आएगा कब तुम्हारा? हर रोज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बगल के साइबर कैफे में घंटों बैठी रहती हो, एक कदम अंदर जाकर एप्लीकेशन नहीं दे सकती? दे दूंगी ना, चली जाऊंगी। बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए भाई, फिर बैंगलोर जाओ पासपोर्ट के लिए, चेन्नई जाओ वीजा के लिए, कब होगा ये सब? और पहला कदम तो तुम उठाओगी नहीं? उठा लूंगी ना, इतना मुश्किल है ये सब, जबकि मुझे तो कुछ पता भी नहीं। रोहित, ये तुम्हारे लिए बड़े शर्म की बात है, अगर आज रामदास जिंदा होता तो सारा इंतजाम कर देता, और वैसे भी चुटकी भर में वो कितना कुछ करता था भाई। भाई मैं चला। विदुला, तुमने पासपोर्ट के लिए फोटोज खिंचवाई कि नहीं? मैंने कुछ खिंचवाए तो थे, पर मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने फाड़ दिए। वो सिर्फ यूएस कॉन्सुलेट के लिए है, अश्विन की हाँ या नाम से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चुप रहो, कोई नहीं, आज शाम को जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तो हम खिंचवा लेंगे। उसे उस इंटरनेट कैफे में घुसने मत देना, ढूंढ नहीं पाओगी। तुम उसे तंग करना बंद करोगे? उस इंटरनेट कैफे में तुम करती क्या हो वैसे? धार्मिक आख्यान सुनती हूँ, वीडियो गेम्स खेलती हूँ, वीडियो गेम्स के पीछे पागल है ये। कुछ घंटे शादी के बारे में सोचने से राहत जो मिलती है। ओ बहन जी, आपकी शादी है मेरी नहीं, मुझे क्या पड़ी है? बस करो बस करो, ठीक है, वो कह रही है ना वो अप्लाई कर देगी। सुनो, आज जब शाम को जाएंगे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अयो, तुम लोगों ने शॉपिंग की बात करी तो मुझे याद आया, तो बिल्कुल भूल गई थी, आज शाम को मिस्टर मिसेस हतंगड़ी रोहित को देखने आ रहे हैं। आज शाम को? हमें सताने के लिए तो उन्होंने हर शनिवार की सुबह रिजर्व करी है। मुझे नहीं पता, मिस्टर मिसेस जरूर भी आए हैं हैदराबाद से। मेरे से नहीं होगा, आज शाम को वैसे भी मुझे अश्विन के चाचा से मिलना है, और चाचा से ना मिलना नामुमकिन है, हतंगड़ियों से आप मिली। नहीं नहीं, नामुमकिन हम नहीं मिल सकते, रायकर सुनार ने स्पेशली हमारे लिए ज्वेलरी भेजी है हमें दिखाने के लिए, और हमें उसे आज रात को ही लौटाना है। तो हमारे पिताजी उनसे मिल लेंगे। देखो, जब कोई कहे कि तुमसे मिलना चाहता है, वो भी तब जब वो इतना दूर हैदराबाद से आ रहा हो, तो ना नहीं कह सकते। माँ, तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आ रहे? बेटा बस 5 मिनट मिल लो, बस 5 मिनट। 5 मिनट? और 5 मिनट के बाद मैं उनको क्या बोलूं? सॉरी, 5 मिनट हो गए, टाइम आउट, चलिए निकलिए। अतंगड़ी डरे चिपकू, हिलेंगे नहीं। मुझे नहीं पता, तपस्या को भी साथ ला रहे हैं। ओए रब्बा, वो भी अब जब हम खुद अपने चक्कर में फंसे हुए हैं। एक्चुअली आई एग्री विद रोहित, हम इंडियंस को ना वक्त का लिहाज है ना मौके का। मैं तुम्हें बताना भूल गई रोहित, इजाबेल कॉल, शी वांट्स यू टू कॉल हर बैक। मेरा सर दुख रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा। ये इजाबेल कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टन। इजाबेल नाम है तो और क्या होगी? वियर्ड। ये उसने नई हरकत शुरू की है, जब भी कोई मुसीबत हो चला जाता है सोने, झपकी लेने, वाकई सो भी जाता है, लकी फेलो। फोन आ गया। हेलो, हाय केतन, हाउ आर यू माय डार्लिंग बेबी, हाउ वाज योर डे? Bye.
डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर दिन हो गए। और सब यात्रा आपकी कैसी रही, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बेहतरीन, मजा आ गया भाई। चलिए भगवान का शुक्र है। आपसे तो मिले शायद कई साल हो गए डॉक्टर अंकल। जहाँ तक मेरी याददाश्त की बात है कमोबेश 15 साल, अगर मेरी याददाश्त सही है तो मिस्टर सरोज। डॉक्टर अंकल 14-15 साल तो कुछ हुए होंगे, लेकिन आप मेरे को मिस्टर क्यों बुला रहे हैं? अरे मैं तो आपका भांजा हूँ। अरे रोहित बेटे इधर आओ। अरे बेटा सिरूर अंकल आए हैं हैदराबाद से, यहाँ आके बैठो। हाँ बेटे, ये है हमारा बेटा रोहित। हाँ तो आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा रामदास की बात। हाँ तो वो तब बहुत चुस्त थे और कभी एक जगह उन्हें बैठे नहीं देखा हमने, मैं सच बता रहा हूँ। अरे चुस्त और काबिल भी, अरे जीनियस। और इसने ही हमारे परिवार में तो एक ही जीनियस था, वो था रामदास। अजी हाथों में हुनर था उसके, भगवान का दिया हुआ। चाहता तो डॉक्टर लाल रत्नाकर की टक्कर का पेंटर हो सकता था, पर उसे तो अमीर बनना था, कामयाब कारोबार तो चलाना था जिससे रातों रात अमीर बन जाए। पिताजी उसने आलू प्याज की दुकान खोल ली, नहीं चला पाया। फिर रेस्टोरेंट खोल लिया, नहीं चला जी। फिर कभी दर्जी की दुकान तो कभी बेकरी की दुकान। अब आप तो जानते हैं कि हमारी बिरादरी के लोगों को धंधा करना तो आता नहीं, पर उसे समझाए कौन? हर बार उस डूबते को सहारा देने वाला केवल मैं ही था। अरे पर मोहन जी अब उसकी मुझे याद बहुत आती है। उसके बगैर हम हेमा की शादी न जाने कैसे कर पाते। हर छोटी से छोटी पाई पाई का जो हिसाब रखता था वो, अब पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा। अरे अंकल घबराते क्यों हैं, रोहित है ना यहाँ, मुझे तो पूरा भरोसा है, परेशानी की कोई बात नहीं होगी। और हेमा भी तो आई हुई है ऑस्ट्रेलिया से। पिताजी हाँ वो आई है, मगर मेरी पत्नी और दोनों बेटियों को खेद है कि वो खुद आपका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। मैं उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, वो दरअसल शॉपिंग करने गई है। और महिलाओं को तो शॉपिंग के लिए कोई बहाना चाहिए, और शादी से अच्छा बहाना कौन सा भाई। बोलना मत अपनी माँ से, कहना मत। दरअसल शादी से तो अच्छा कोई बहाना है ही नहीं, और दरअसल बगैर शॉपिंग के शादी भी कुछ नहीं है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। वैसे हमारे जमाने में शादियां हफ्ते हफ्ते चला करती थी, भाई किसे क्या देना है, किसे क्या मिलेगा, ये तोहफों का लेन देन तय करने में ही कई दिन निकल जाते थे, है ना। अरे मोहन जी आप तो जानते हैं हेमा के पति को चंद्रकांत, उसने अपनी शादी में हमसे फूटी कौड़ी तक नहीं ली। और अब मजे की बात यह है कि जो विदुला के लिए जो रिश्ता आया है, रोहित बेटे क्या नाम है उस लड़के का, अश्विन पंजे, वह भी यही कहता है डाउरी नहीं चाहिए। वो कहते हैं आजकल के जी नौजवानों की नीयत बिगड़ गई, मैं कहता हूँ गलत कहते हैं लोग। अजी वो उसूलों का ऐसा पक्का है, सबसे पहले तो उसने हमसे यही कहा नो थैंक्स, हमें डाउरी नहीं चाहिए, भाई हमारे लिए तो सोने में सुहागा। पिताजी वो आए हुए हैं भाई, जब सॉरी रोहित माफ करना, मेरी आदत है कि मुझे कैमरा और लोग मिल जाए तो मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ। और ये बुढ़ापे से ज्यादा संकीपन का सबूत है भाई। अरे नहीं नहीं डॉक्टर अंकल, आप अपने आप को इस तरह मत रोकिए भाई, हम तो आपसे ही बात करने आए हैं और क्या, तो मुझे इजाजत दीजिए, मेरा अपॉइंटमेंट। अरे बेटा रोहित रोहित रोहित, अरे ये गलत भाई, तुमसे ही तो मिलना है, खुला हुआ है इसको बंद कर। आओ बैठो बैठो, 2 मिनट बैठो बेटा, तुमसे ही मिलना है इतनी दूर से। अब बेटा सच कहूँ तो माफी हमें मांगनी चाहिए। अब देखो ना तुम्हारी बहन की शादी की तैयारियां चल रही है और हमें कि यूं ही टपक पड़े, ये तो आप लोग की शराफत है कि हमसे मिलने को राजी तो हुए भाई। और अंकल हमने कि आपको तकलीफ देने से बाज ही नहीं आते हैं। अरे नहीं नहीं अक्का, वो हालात को समझते हैं,
भाई रोहित जानते हो बेटा इनकी भी मजबूरियां हैं कुछ, सुन लो जरा। अंकल मुद्दे की बात ये है कि अश्विन जब यहाँ होगा अपने चाचा गोविंद राव जी के साथ रहेगा और आज मुझे उनसे मिलना है और सारी बातें पक्की करनी है। बेटा रोहित तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहते लेकिन लेकिन देखो बेटा सोने जैसा मुहूर्त है और हमारे शास्त्री जी ने खास जोर दिया इस बात पे कि चाहे जो भी हो ये मुहूर्त हाथ से निकलना चाहिए, सही चाहिए। हाँ उनका कहा हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य मतलब? अरे भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब तपस्या को अब हमारे साथ नहीं आना चाहिए, आपने इस बात का ख्याल रखा हमारे लिए यही बहुत है। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अंकल मुझे तो मालूम भी नहीं था कि आप तो धारवाड़ आ रहे हैं, हिमा ने बताया होगा। पर बेटा मीरा जी बिल्कुल ठीक बोल रही है ना, अब देखो तपस्या का ही भविष्य अगर उसके सामने हम सब मिलकर यहाँ तय करें तो वो तो बेचारी बहुत शर्मा जाती ना, क्यों भाई? माफ कीजिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आजकल की लड़कियाँ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे हम हुआ करती थी अन्ना 25 साल पहले। उसके भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे ऐसे में वो बेचारी यहाँ मौजूद भी नहीं रह सकती। अरे नहीं नहीं अक्का, जीजा जी कुछ और बोल रहे हैं। देखो विदुला की शादी हो जाए फिर अपने रोहित को फुर्सत मिल जाएगी, उसके बाद तपस्या रोहित मिला करें, गपशप किया करें। अरे मैं तो कहता हूँ घूमे फिरे भी। क्या ये सब तो सिर्फ शुरुआत के मामले हैं अक्का। अंकल आप क्या बोल रहे हैं? रोहित मीरा और मैं यहाँ आते रहे लगातार, क्यों डॉक्टर अंकल? अरे गोपाल जी हाँ, हर शनिवार ठीक 9 बजे। और माफ करना मोहन जी अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते तो हमें तो बड़ी चिंता होने लगती, यकीन मानिए आप मेरी बात का। क्यों? दरअसल इनका मुंह देखने आपके अलावा कोई आता भी तो नहीं था। अरे नहीं नहीं अंकल, बड़ा काबिल बच्चा है आपका। वैसे अंकल हमारे लिए तो भाई वो सुबह का वही वक्त ठीक रहता था। अरे इतनी दूर हुबली से जो आना होता था आधे घंटे में पहुँच जाया करते थे हम। और समझिए जिस दिन हम 10 मिनट लेट हुए तो समझो गया 1 घंटा। क्यों? अरे डॉक्टर अंकल ये ट्रैफिक बस, ट्रैफिक ने जीना हराम कर रखा है हमारा। हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाता था, सुमेश्वर मंदिर बगल में जो है आरती ठीक 10 बजे शुरू हो जाती थी। अरे मैडम बस आप तो रहने ही दो, गोपाल जी मैं इनके स्वागत में बड़ा बन ठन के मैं खुद बैठा रहता लेकिन इन लोगों के पास मेरे लिए वक्त नहीं होता था सिवाय इन साहब के। डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल आप ऐसे कैसे कह सकते हैं बताओ मीरा इनको? अरे अंकल हम जहाँ कहीं भी हो हमें बड़ों की इज्जत करना आता है। अंकल जी ये सारी बात तो चलती रहेंगी, अब देखिए ना मेरा बेटा शरद अमेरिका से आ रहा है जी कुल 6 हफ्तों की छुट्टी पर और अगले ही महीने लौट जाने को कहता है, और कहता है फिर कि 3 साल तक उसको छुट्टी नहीं मिलने वाली। तो मैंने कहा अगर आप हाँ कर दें तो शादी उसके रहते ही हो जाए। क्यों अंकल? इसीलिए तो आप सबको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, बहुत ही बुरा लगता है। बुरा लगता है पर आज की शाम अगर हाथ से गई तो अगले 3 हफ्तों तक कोई शुभघड़ी नहीं है, इसलिए इन्हें फौरन चले आने को कह दिया हैदराबाद से। देखो भाई फिक्र की कोई बात नहीं है। और तपस्या को साथ लाने को। तपस्या को शादी? मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं है। अरे बेटा रोहित, अरे तू जरा बात तो सुन बेटा। देखो तुम ये कहते रहे हो पता है मुझे, पर कब तक इंतजार करोगे? देखो बेटा मैंने तो ये बात भी चलाई थी कि तुम्हारी और तपस्या की शादी तुम्हारी बहन विजुला के साथ एक ही मंडप में की जाए। बैठ 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 बैठ। अरे रोहित अब तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी भी तो उम्र बढ़ रही है। मीरा जी आप मेरे बुढ़ापे की चिंता मत करो, आप लोग अपनी बात करो, अपने बुढ़ापे का ख्याल तो मैं खुद रख लूंगा, वैसे अभी इतना बूढ़ा नहीं हूँ मैं। आप तो बुरा मान गए, मैंने बुढ़ापे की बात छेड़ी क्या? मैं तो बस आपके कंधे पे बढ़ते जिम्मेदारी के बोझ की बात कर रही हूँ। बेटा रोहित वैसे तुम शादी के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहते? देखिए फिलहाल तो मैं शादी नहीं कर सकता, अगले 3 साल तक तो बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब बेटा माफी मांगते हुए दोबारा पूछता हूँ क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ खुद का ऑफिस खोल लूँ। अरे बेटा सोचो मत, कर दो। डॉक्टर अंकल अरे मैं क्या कहता हूँ, हम सारा सर ब्राह्मण पढ़े लिखे हैं कलात्मक हैं लेकिन जोखिम हमें लेना ही नहीं आता। अरे नो सेंस ऑफ एडवेंचर यू सी, एक नौकरी लगती है तो समझते जिंदगी बन गई, डरपोक है ना। अब देखो ना बेटा रोहित, रोहित मैं कह रहा था मारवाड़ी को देख लो, मैं एक मारवाड़ी कंपनी में काम करता हूँ बेटा, वो इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मारवाड़ियों के लिए पैसा
यानी कि जोखिम लेने की पुकार। अरे माना कोई जादुई काली। बेटा हमें बड़ी खुशी मिलेगी। हाँ तो जहां तक तपस्या की बात है, ओहो हो वो तो तुम्हारी कितनी इज्जत करती है, कितनी हाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी के लिए। हाँ अरे इज्जत वो तो तुम्हें पूछती है, तुम्हारी सब डॉक्यूमेंट्री देख चुकी है। कौन सी? अरे वो जो टीवी पे आती है ना। हाँ 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 अरे बहुत क्रिएटिव है भाई वो, बहुत क्रिएटिव है वो। क्रिएटिव गाती है क्लासिकल म्यूजिक। मुझे अंकल ने बताया था लेकिन मैं नहीं कर सकता। मत करो। अरे अंकल आप निकल रहे हैं क्या? देखिए ना रोहित तो सुनने को भी तैयार नहीं है, आपका क्या कहना है? अब भाई मैं तो सिवा माफी चाहता हूँ आपसे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्या कम से कम मैंने अपनी शादी वक्त रहते हुए कर ली। डॉक्टर अंकल मजाक कर रहे हैं जी। अरे 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 बैठो यार। देखो बेटा हमारे जीजा जी पे भगवान की बहुत मेहरबानी रही है, भगवान की कृपा से सिर्फ दो ही बच्चे हैं और बड़ा बेटा शरद तो स्टेट्स में सेटल है ना, तो उनका जो कुछ भी है तपस्या को मिल जाएगा, समझ रहे हो ना बेटा? तो मैं तो कहता हूँ प्रदेश जाओ ट्रेनिंग करो, अरे अपनी फर्म खोल लो, लगा दो चला गया, घबराओ मत, तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। अंकल जी आप मुझे खरीदना चाहते हैं? नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं। और नहीं तो क्या, आप चाहते हैं इन चीजों के लालच में आकर मैं शादी कर लूं? अरे घूस। अरे बेटा रोहित अरे हमें से घूस नहीं करनी है बेटा, बेटा समझदारी से काम लो। अरे हमें हमारा मतलब नहीं करो। और बेटा रोहित लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी है, मॉडल है,
नरम दिल है, तुम्हें पता है सोशियोलॉजी में एमए करा उसने, वो भी डिस्टिंक्शन लेकर, और तुम बिना एक लफ्ज कैसे कैसे ठुकरा सकते हो उसे। नहीं हमें सारा शर्मिंदा मत करो प्लीज। मैंने क्या किया? अरे रोहित बेटा तुम्हारी गलती नहीं बेटा, देखो गलती मेरी है और मेरी धर्मपत्नी की है बेटा, मानते हैं। हाँ, हम मानते भी हैं और माफी भी मांगते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ। बेटा लड़की सीने से अरमान लगाए आई है। चुप, बिल्कुल चुप। अब कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा, कोई भी। पहले तो तुम मुझे मेरे से माफी मांग दो। मैं जानता हूं कि इन लोगों ने गलत किया, हो सकता है इनसे गलत फहमी हो गई हो सकता है इन्होंने हमसे झूठ तक कहा हो, मगर मैं और मेरी बीवी कर भी क्या सकते थे। क्या तुमसे फोन करके पूछते कि बेटा क्या तुम इस रिश्ते के लिए वाकई बंदी हो, क्या तुमने अपनी मंजूरी दे दी? हमें भी तो भरोसा हो गया था ना। मैं कह रहा हूं मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। चुप हो जाइए, काफी तकलीफ उठा ली आपने। देखिए मुझे अब जाना होगा, देर हो रही है। अरे नहीं बेटा नहीं, सुनो बात पर, कल फोन करें बेटा, कल फोन कर देते। कल नहीं, कल बहुत भाग दौड़ है। तो दो दिन बाद शायद, मुझे अब जाना है। ठीक है। अरे भाई ठीक है कह दिया उसने, ठीक है ठीक। अरे मुंह मीठा करो। ठीक है भाई, सब ठीक है। जीजा जी सब ठीक है, सब ठीक है। अरे अंकल सॉरी। अरे सब ठीक, माफी मांगने की जरूरत कोई नहीं बेटा, मुंह मीठा, मुंह मीठा करो। अरे का, अरे आप उसने ठीक है कह दिए ना। हाँ। अब उसे और परेशान मत करो, जाने दो, माफ कर। तो हम तपस्या से क्या कहें फिर? अरे जीजा जी मिठाई खाओ, तपस्या मिठाई खिलाओ, समझदार है। देखिए इसको टाइम चाहिए सोचने के लिए, टाइम दे दीजिए, ये सही भी है और जायज भी। चलिए अब चलते हैं, पार्टी करेंगे, आओ। अच्छा बेटा रोहित, रोहित ये रोहित, परेशान मत हो ना बेटा, परेशान मत हो। हेलो गोविंद अंकल, क्या वो निकल गए? क्या वो बुरा मान गए? सॉरी मैं आ नहीं पाया जी। क्या मैं, हेलो, इजाबेल, खुदा के लिए तुम्हारी आवाज का शुक्र है, तुम जानती नहीं यहां मेरा क्या हाल हुआ। एक्चुअली वो सिरूर आए थे हैदराबाद से। No, darling, बट मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। अरे मुझे तो पता भी नहीं था, कम ऑन, आई डिड नो। मैं बाद में फोन करूंगा। आई लव यू, वी लव यू टू। वो तुम्हारी क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ। ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें सिर्फ एक क्रिश्चियन लड़की मिली है क्या? हमारे बिरादरी की अच्छी लड़कियां नहीं है? अब तुम शुरू मत हो जाओ, सब टूट पड़े हैं मुझ पे। एक्चुअली उस ड्रामे की कुछ झलक तो देखी हमने, मानना पड़ेगा काफी ड्रामा कर गए। तुम यहां थी जब वो ड्रामा चल रहा था, और हेवन से मुझे आगे बचा नहीं सकती थी। अरे हम अपने मेहमानों को शर्मिंदा कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें बता चुके थे कि हम तो शॉपिंग करने गए हैं। एनीवे तुम्हें हमारा थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें देख लेना तो ये ड्रामा फिर से रिप्ले होगा। वैसे इस सब से
तुम्हारी काफी ईगो बूस्ट होती होगी ना। एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसके घर वाले तुम्हारे सामने भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रोहित मेरी बेटी से शादी कर लो, रोहित मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, रोहित कोई अनपढ़ तो है नहीं। अंदर ही अंदर एक शान महसूस करते हो, है ना? मैंने उन्हें नहीं बुलाया था और मुझे नहीं चाहिए था ये तमाशा। नॉनसेंस, तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं इजाबेल के बारे में? ये तो कह सकते थे ना कि वो लगभग तुम्हारी मंगेतर ही है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्हें क्यों बताऊं? क्योंकि अगर तुम इजाबेल का सिर्फ नाम ही ले लेते ना, तो ये तमाशा वहीं खत्म हो जाता। इतने दिनों से जो चल रहा है वो सिर्फ आज की बात नहीं कर रही मैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये चाहते थे। इन सब के तमाशे से तुम्हारे सिर पर एक ताज लग रहा था। बस करो बस। रोहित, तो तुम गोविंद राव से मिलने नहीं गया? हैवा हार्ट अम्मा, ये जरूर दो। इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकता अपनी बहन के लिए? अब उस बूढ़े घुसट को बढ़वाने की एक और वजह मिल जाएगी ना। मुझे लगता है यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहित एक क्रिश्चियन लड़की के साथ घूम रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसा हो जाता है लोगों को? ये 21वीं सदी है मैडम, 21st century। अच्छा, तो तुम 21वीं सदी वाले लोगों ने ऐसे 21st century वाले हिंदू के साथ ऐसे होने कैसे दिया? हेमा, वैसे ना मुझे हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स में कुछ खास फर्क नहीं दिखता। अब तुम उस विद्या और सारिका को देख लो, उनकी कमीज नाभि तक खुली होती है और वो लड़के हैं कि कॉलर का बटन लगाए बंद गले में घूम रहे हैं। ओ मैडम जी, लड़कों की छाती पे अमेज़न का जंगल जो होता है। जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है? देखो, कॉन्सेंट्रेट। दिस बीन अ मिस्टेक। थैंक गॉड तुम्हें दिखा तो सही। हेमा, क्या हुआ? न्यू प्रॉब्लम। बस दिखा, विदुला को बर्थ सर्टिफिकेट है, देख लो।
अरे चश्मा भी रख बैठी हूँ आपके सामने। ओहो, मुझे कुछ याद नहीं रहता। अरे अब छोड़ो, मैं बता दू, ये मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, मैं अभी लेके आई, बाकी सब ठीक है, पर जहाँ लिखा है पिताजी का नाम, जहाँ लिखा है पिता का नाम वहाँ लिखा है रामदास नाडकर्णी, चाचा जी का नाम। क्या क्या ऐसा क्यों लिखा है? मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ जहाँ पिता का नाम है वह चाचा जी का नाम लिखा है। हे भगवान, कितना घिनौना है ये सब। माँ, इन सबको मन में मत लेकर बैठो, हम संभाल लेंगे। शिवा शिवा शिवा, क्या बात है? तुम्हें नजर नहीं आता, साफ दिखाई देता है, ये कोई गलती नहीं है, जानबूझ के किया गया है। वो जानता था, उसे पता था कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट के लिए अप्लाई जो करना था, इसीलिए जानबूझकर अपना नाम डाल गया। हराम ज्यादा हमारा मुंह गला करना चाहता था। पर क्यों, वो ऐसा क्यों करेगा? जब भी किसी मुसीबत में होता तो अप्पा उसका पूरा साथ देते, पर मुसीबत से हल निकालते। और अब जब अप्पा को पता चलेगा तो वो तो शर्मिंदगी और गुस्से से मर ही जाएंगे। अम्मा, मुझसे नहीं सहा जाता ये सब। अम्मा, अप्पा को ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? देखो, इसको ठीक करने के लिए एक एप्लीकेशन लगेगी, अप्पा के साइन लगेंगे, वो मैं कर दूंगा। You mean forgery, bribe? किसी के दस्तखत करना, किसको bribe देना, it's a criminal offense. मैं नहाने जा रहा हूँ। And this is India. हर problem का solution है यहाँ पे। माँ, रहने दो अभी। नहीं, इनको ऐसे दिन में लेटे हुए मैंने नहीं देखा कभी। और ऐसे ऐसे तो लेटती नहीं है कभी। आराम कर। नहीं, बीमार है, लेटने दो, ठीक है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मगर हाँ, दिल में अगर कोई बात लेके अगर लेटी है तो अच्छी बात नहीं है। मेरे ससुर कहते थे ऐसा। तुम्हारे ससुर के बारे में बस, तुम कहती हो तो ठीक है, चुप हो जाती हो। हाँ, मगर वो मेहमान आने वाले हैं। कौन आ रहे हैं? गोविंद राव और उनकी बेटी उषा। मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं, मानो मेरी नहीं किसी और की शादी हो। अच्छा हेमा, वो माँ बता देती अगर कि खाने में क्या बनाना है। तुम्हें जो बनाया मैं बना लूँ, मैं अम्मा को बता दूँ। भिगोए हुए मूंग का खट्टा सालन बना दो। बना दो, मुझे मूंग भिगोना पड़ेगा उसके लिए। अरे बहुत खास मेहमान है ना, बहुत जल्द हमारे समधी होने वाले हैं, सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा हाँ, वो आई थी ना, अरे वो उषा, हाँ मच्छी बहुत पसंद है, मगर उनके घर माछ मच्छी तो कुछ नहीं बनता। तो तुम पॉम्फ्रेट का सालन बना दो। और मीठी में क्या बनाओ? मुझे नहीं पता मच्छी के साथ कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। हे भगवान, एक मिनट नहीं मुझे आराम से बैठने दे सकती औरत। तो ठीक है, मच्छी बनानी है तो तू और माई देख, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कह देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी। तू इतने सालों से हमारे साथ काम कर रही है, क्या हमें इतना नहीं पता तेरी नाक कितनी नाजुक है? पुरोहितों के खानदान से है, बड़े ऊंचे कुल से है। मच्छी मैं संभाल लूंगी, और वैसे वहां मेरा रहना ठीक है, नमक की निगरानी के लिए। माँ, आपकी बात सुनकर कोई ये नहीं कहेगा कि इतने सालों से खाना पका रही हूँ। हाँ, मैंने तुझे कितनी बारी साफ साफ समझाया कि नमक डालने से पहले जरा चक लिया कर। हाँ, लेकिन तू तो ऐसा करेगी नहीं, हमेशा आग से ही अंदाज लेगी। अरे अगर चक लेगी तो तेरी जुबान जड़ जाएगी क्या? जड़े ना जड़े, हमें तो आंखों का अंदाजा ही सिखाया गया है। चल, और मेरा वही तरीका है, वही करूंगी मैं। चलो चल। तुम वहां गेंद की तरह से मटकर क्यों बैठी हो? रामदास काका ने ऐसा क्यों किया? क्यों इस तरह माँ पर कीचड़ उछाला? इतनी नीच हरकत, उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? हमें नहीं पता, पर तुम ये अपने साथ क्यों ले रही हो? शायद वो पिताजी से कोई अपना पुराना कर्ज चुकता करवा रहे हो। पर अप्पा जो कितना चाहते हैं उन्हें, कितनी प्यार से जिक्र करते हैं उनका। वो अब की बात है, जब रामदास काका नहीं रहे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तब भी सब कुछ ऐसा ही था। तुम ये सब अपने सर पे मत लो, छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि
क्या क्या तुम्हें लगता है कि उनकी अम्मा पर नजर रही होगी? हो सकता है, माँ सुंदर थी। तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होती? वो उसी घर में रहते थे अम्मा और अप्पा के साथ। तुम्हें एक बात बताऊं, अपनी शादी पे मैंने अपने ससुर को मुझे ताकते हुए देखा था। हे भगवान, इससे पहले मुझे इतनी ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। मुझे लगता है मेरी सास ने तो उनकी बुरी नजर के साथ जीना सीख ही लिया था। मुझे नहीं पता था शादी करने से इतने झंझट होते हैं, मैं तो तंग आ गई। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, हम संभाल लेंगे, तुम बस मुंह लटकाना बंद करो अपना। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, ठीक हो गई अभी? मैंने कहा था ना उठ गई है ना, अभी ठीक हो गई। बात तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किस बात की होती है? राधा बाई की। अभी तुमने देखा सो वो सबका कितना ख्याल रखती है, पर एक बार शुरू हो गई तो हे भगवान। ये सब उस टेलीविजन का नतीजा है। टेलीविजन? डोंट बी रिडिकुलस, क्या बात कर रही हो? सीरियसली अम्मा ने तुम्हें बताया नहीं? अम्मा मेरी किसी भी सवाल का सीधा आंसर देती है। नहीं सुनो, एक बार राधा बाई और अम्मा साथ साथ टीवी देख रही थी, कोई मेगा सीरियल था। एक अम्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, ऐसी कोई मेलोड्रामेटिक सिचुएशन थी। अम्मा बता रही थी कि बहुत ही गया गुजरा था, पर राधा बाई उठ खड़ी हुई अचानक, उसने टीवी ऑफ कर दिया और शुरू हो गई उन लोगों के खिलाफ बोलना जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। ये साले हरामजादे मुझे जीने क्यों नहीं देते, वगैरह वगैरह, बहुत ही घटिया बोली है। सचमुच अम्मा को उसे नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ा। फिर अगले दिन उसने अम्मा को अपने दुखड़े का राज बताया। क्या? उसकी एक बेटी थी, राधा बाई की बेटी, सावित्री नाम था उसका, गांव में रहती थी। गरीबी ऐसी कि नौकरी की तलाश में वो बैंगलोर आ गई, अच्छी नौकरी मिल भी गई उसे, खूब सारा पैसा घर बेचती थी। फिर एक दिन अचानक राधा बाई का पति गुजर गया, सो वो भी बैंगलोर आ गई। मलेश्वरम में किसी के यहाँ खाना पकाने का काम करने लगी। वो जब यहाँ आई वो अपनी बेटी से मिली, और पता है उसने वहाँ पहुँचकर क्या देखा? क्या? कि उसकी बेटी किसी अमीर व्यापारी की रखेल है। रखेल? ओह माय गॉड। तो माँ बेटी मिले, पर राधा बाई ने ये बात किसी को नहीं बताई, खास करके वहाँ जहाँ वो काम करती थी। एक दो साल यही सिलसिला चलता रहा, फिर एक दिन अचानक राधा बाई की बेटी की तरफ से चुप्पी, ना कोई संदेशा ना कोई फ़ोन कॉल। तो राधा बाई पहुँच गई उसके घर, वहाँ पहुँच कर देखा कि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, घर सुनसान। आस पड़ोस वालों ने बताया कि वो अमीर व्यापारी तो अचानक गुजर गया और उसके घर वालों ने उसकी रखेल को घर से निकाल दिया, वो गायब हो गई। राधा बाई फिर अपनी बेटी से कभी नहीं मिली। ओ गॉड, मतलब राधा बाई कभी भी नहीं मिली अपनी बेटी से? उसने भी जाहिर है ये बात अपने जहन के किसी कोने में छुपा ली, भूलने की कोशिश की होगी, पर उस टीवी सीरियल से उसके घाव हरे हो गए। उस दिन से यही हाल है, अचानक यूं पारा चढ़ना, चीखना, चिल्लाना। मुझे लगता है मुझे संयुक्ता को फोन करना पड़ेगा, मुझे करना चाहिए। चलो, तुम्हारी कहानी का कुछ तो अच्छा नतीजा निकला। क्या? तुमने नोटिस नहीं किया, हेमक्का जब से यहाँ आई है उसने कभी भी अपनी बेटी का जिक्र ही नहीं किया, हमेशा मेरा बेटा केतन, माय सनी बॉय, मेरा बेटा यों, मेरा बेटा त्यों। Haven't you noticed? Really? I did not. माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ लाना है, कुछ करना है तो बता दो, बाद में दोबारा मत भेजना। रोहित, अच्छा हुआ तो निकला नहीं अभी। बेटा मैं अंदर आटा गूंद रही थी और सोच रही थी कि तुझे स्टैम्प पेपर खरीदना होगा, अप्पा से एफिडेविट करवा के एप्लीकेशन लिखवाना पड़ेगा और फिर नोटराइज कराना पड़ेगा, ऐसे माथा पच्ची का काम कितना समय लग जाएगा बेटा? भगवान जाने, गॉड नोस। मैं इसलिए पूछ रही थी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? किससे फर्क पड़ेगा? अरे अगर जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दे तो? तुम्हारा क्या मतलब है अम्मा? अरे ये खामखा की बात दौड़, घूस खिलाना, जाली दस्तखत करना, ये सब किस लिए? आज तक हमें पता भी नहीं था कि कॉर्पोरेशन की फाइलों में क्या लिखा है, तो भला पड़ा रहे रामदास का नाम सर्टिफिकेट पे।
क्या ही फर्क पड़ता है? माँ, पासपोर्ट के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। पासपोर्ट पर पिता का नाम होता है क्या? बिल्कुल होता है। फिर तो ये सब करना ही पड़ेगा। मैं इसलिए पूछ रही थी कि इस पहाड़ को उठाने का कोई फायदा तो हो। चलो जाओ लाओ स्टैंप पेपर। कैन यू बिलीव इट, अम्मा कह रही जो जैसा है वो वैसा ही रहने दो। सीरियसली? यस आई कैन। भाई तुम जानती नहीं हो अब्बा का पारा कैसे चढ़ता था और माँ पे हाथ उठाने से कभी नहीं झिझके। वो तो रामदास काका जब तक जिंदा थे उन्होंने कभी अब्बा को माँ पे हाथ नहीं उठाने दिया। ओ बॉय, एक बार तो रामदास काका खुद इतने गुस्सा हो गए कि अब्बा तो पिटते पिटते बचे थे बस। पर ये कह देना कि हम किसी झूठ को अपना कर जी ले। यार माँ कितनी अजीब हो सकती है ना। मैं जब से यहाँ आई हूँ हर रोज दो तीन बार तो पूछा होगा कि माँ ये राधाबाई की काया पलट का राज क्या है, पर उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। माँ ने ये बताना जरूरी नहीं समझा होगा। हाँ, मुझे हमेशा से अपने से दूर जो रखा है। देखो अब ये पुराने गिले शिकवो को भूल जाओ। मैं क्यों भूलूं रोहित, तुम तो हमेशा उनके साथ हर जगह गए। मतलब जब पिताजी का सिरसे में ट्रांसफर हुआ तो मुझे भवानी मामी के यहाँ छोड़ दिया 2 साल वो भी, और फिर जब बागलकोट में ट्रांसफर हुआ तो अम्बा भामी के साथ छोड़ दिया। तुम तो हर जगह गए ना उनके साथ। हे मक्का, पिताजी का ट्रांसफर हर साल होता था। अब अगर तुम्हें भी हमारी जगह हमारी साथ इधर से उधर ले जाते तो भाई तुम्हारी पढ़ाई का क्या होता? तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें एक जगह रहना जरूरी था। अच्छा पढ़ाई, प्यारी मामियों की गोद में। हाँ, जब मुझे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, माँ मेरे पास कभी नहीं थी। पहले तो ये समझ लो। मुझे लगता है वो स्टैंप पेपर ले आना चाहिए। ऐसे खराब मूड से नहीं, ये मेरी शादी है, मेरी अपनी अगर हो तो शादी। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा नाच गाना हो, थोड़ा जश्न हो, बहुत नहीं तो थोड़ा सा। राइट यो, चलो नाचे गाए। कौन सा गाना चाहिए तुम्हें? भविष्य का राष्ट्रगीत। लो करूंगा। 1 सेकेंड।
Here's the key. Here's your special room key. And here's your special chocolate. Thank you. मैं कुछ और कर सकता हूँ आपके लिए? Lights off कर देना please. ठीक है madam. बैटरिंग रैम और ये है मेरी प्यारी कंबस्टिबल सुलगती सती. तुम्हें कम से कम मेरे पासवर्ड देने तक तो रुकना चाहिए. इसकी कोई जरूरत नहीं लव. मैं अपनी डार्लिंग देसी मोरनी की आवाज पहचानता हूँ. इसी की राह देखता हूँ बेताबी से. पर शायद अब फिर ना मिले. मैं बाय कहने के लिए आई. नो ऐसा ना कहो बेबी. मुझे तुम्हारी लत लग चुकी है. I am addicted. और कोई चारा नहीं है. मैं जा रही हूँ. आजकल तो टिम्बकटू में भी कंप्यूटर होते हैं. जानती हूँ. तो बाय क्यों कह रही हो? मैं बिक चुकी हूँ. तुम क्या हो चुकी हो? मैं बिक चुकी हूँ. मैंने तुम्हें बताया तो था. मैं रखेल एक सौदागर की रखेल. मैं उसकी माँ शुका. मुझे रखने वाला मुझसे उम्र में काफी बड़ा है. हाँ तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो था पर मुझे लगा तुम मेरी टांग खींच रही हो. अब तो टांग नहीं खींच रही. तो वो मर रहा है. खरा दिल का दौरा पड़ा. हार्ट अटैक. आईसीयू में. कल सुबह तक जान निकल जाए शायद. उसके घर वाले मुझे बेघर जरूर कर देंगे. इसलिए इस बीच एक नया मालिक ढूंढना पड़ा. उससे कम उम्र का आदमी मिल गया. मेरे घर वालों को भी अच्छी रख दी है. अब वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है. विचार उसके हवाले है. अब मुझे अपना नाम और पता बता दो. मैं आकर तुम्हें खरीद लेता हूँ. शुक्रिया दोस्त. मैं जानती थी तुम ऐसा ही कहो. पर अपनी कष्टों से बंधी हुई हूँ. नाम नहीं बता सकती. तुम तो ये जानते हो. जीसस इंडिया में अभी ये सब होता है. कैसा देश है ये. आज का हम सारा दिन सिर्फ देश की शिकायत करने में गुजार देंगे. ओह नो मैं तुमसे बहुत कुछ करना चाहता हूँ. तुमने मुझसे इंतजार करवाया 3 दिन. अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा. तुम्हें जाने दो ना. इसलिए तो यहाँ हूँ. आज क्या करने का इरादा है? पहले तो मैं तुम्हारे कपड़े हटाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे नंगे जिस्म का मजा लूंगा. आई विल रेप यू. तो इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी करो ना. ओके देन क्लोज योर आईज. ऑर्गेनाइजर पुश चैन छोड़. आप लोग यहां नहीं आ सकते. आप लोग यहीं. हां निकल भाई चल. तू रोकेगा मैं? क्या चल रहा है इधर? अंधेरा क्यों है इधर? बत्ती जला. लाइट किधर है? तुम्हारे को यदि निकलो यहाँ से. अबे लाइट किधर है? कहाँ है लाइट? कहाँ मैडम कहाँ? मैं भी तो देखूं क्या है इसमें. लॉलीपॉप. तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है लड़की यहाँ? ये मेरी कस्टमर है. इन्होंने यहाँ गेम्स खेलने के पैसे दिए. गेम? कैसे गेम? बस साले अंधेरे में वीडियो गेम. खड़ा खड़ा आए पीछे. क्यूबिकल्स. वीडियो गेम्स खेलने के लिए तूने क्यूबिकल्स बनाए. हमें चूतिया समझ रहा है. और इसको वीडियो गेम्स खेलने के लिए स्पेशल कपड़े की क्या जरूरत है? ये भी तो स्पेशल है. मैं इसे अंदर घुसते देखते समझ गया था. दाल में कुछ काला है. ये तो दाल ही काली है. और मिलने देखिए तू साले हरामजादे. लड़कियों को पॉर्न फिल्में दिखाता है असली में. मैंने कहा ना वो यहाँ गेम्स खेल रही थी. ये कैफे कोई ऐसा वैसा कैफे नहीं है. लाइसेंस है हमारे पास. कानून सिखाएगा मैं. लाइसेंस? ये किधर है लाइसेंस? देख देख लाइसेंस. अरे तस्वीर तो नहीं इसकी. हमें भी तो जरूरत होगी सबूत की.
ये एक स्पेशल कमरे में थी। हाँ हाँ देता हूँ। नहीं नहीं बट क्यों ये कोई हवाई अड्डा क्या? बट अरे तू कैमरा निकाल, पोर्न फिल्म में देखती है, हमारी भारतीय संस्कृति पर कलंक। तू ये क्या कर रही है? क्या कुछ कुछ चल रही है? और तू क्या जरा अन्ना अन्ना इसके भाई को जानता हूँ, अपने कास्ट की वो। ए लड़की क्या नाम है तेरा? अन्ना अपनी लड़की है वो। अपनी सा मतलब? अपने मतलब अपने बिरादरी की है वो। तो क्या जाने तू इसे? अन्ना एक बार जाने देते हैं उसको। सिर्फ इसलिए जा रहे तू? तेरी जात वाली है, मेरी जात की होती तो क्या? अन्ना कल को कुछ पेपर में निकला तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने कास्ट वालों को? बड़ी जल्दी है तुझे। अरे वो कौन सा गाना बज रहा था? हाँ डुड्डू डुड्डू डुड्डू। अन्ना अरे हमें भी तो कर लेने दे थोड़ा डुड्डू। अन्ना प्लीज। क्या प्लीज? क्या बड़ा बातें कर रहा है? बड़े दिनों से नजर रखने के बाद पकड़ा है रंगे हाथ और तू अपने जात की बकबक कर रहा है? अन्ना तुम तो जानते हो ना, जानो दे यार इसको एक बार। अरे मैं कुछ नहीं जानता और तू क्या बक रहा है? हमको अपनी संस्कृति से मतलब होना चाहिए टोटल, तेरी और मेरी जात के बारे में नहीं। तू इसकी फोटो लेता है? नहीं नहीं अन्ना जाने दो यार उसको एक बार। तू कैमरा मुझे दे। मैडम क्या करना है तुम्हारा? इधर मैंने यहाँ कंप्यूटर टाइम के पैसे भरे हैं, इसलिए भरे हैं ताकि मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया जाए। मैं यहाँ जो चाहे कर सकती हूँ, तुम होते कौन हो मुझसे कुछ भी पूछने वाले? दीदी दीदी हम अपनी भारतीय संस्कृति रखवाले होने के। भारतीय संस्कृति तुम्हें कोई हक नहीं समझे। You have no fucking right. अमेरिका
वाला? अश्विन? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। तो तुम ये कुशन कवर लगातार क्यों बदल रही हो सुबह से? तीसरा सेट है मुझे लगता है। कोई भी नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। भाई मैंने पहले ऐसे करते हुए तुम्हें कभी नहीं देखा। जी घबरा रहा है मेरा। विदु, विदु वहाँ अकेले उस अजनबी के साथ इतनी डरी डरी, ना जाने वो इतना डरती क्यों है। कारण है हेमा, वो शुरू से ही बड़ी हौसलेमंद थी और उसके ठीक विपरीत विदु ने अपनी छवि बनाई। बच्चे आपस में ऐचातानी करके एक दूसरे के विरुद्ध अपनी शख्सियत बनाते हैं और सीमाएं बांधते हैं और बड़े होकर आपा संभाल भी लेते हैं और उस प्रक्रिया में हम माँ बाप को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काश, काश कि मैं जान पाती वहाँ क्या हो रहा होगा। होगा क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ सबसे बुरा क्या होगा, या तो वो ना करेगा या ये ना करेगी। और शायद तुम हाँ कह दे। लो भाई मिल गया। जाता कहाँ? मुझे तो पूरा भरोसा था कुछ भी हो पर रामदास मुझे धोखा तो नहीं देगा। वो क्या है? हेमा की शादी में जो खर्च हुआ उसका हिसाब है ये। हेमा की शादी का? कैलकुलेटर लाओ। हेमा की शादी का? हाँ। शादी के खर्चे की बात करेंगे अभी? इस बार तो उसने हद कर दी, थक गया हूँ। कान पक गए हैं मेरे उसके ताने सुन सुनकर। हर वक्त जो कहती रहती है कि हमने तो उसकी शादी में फूटी कौड़ी तक नहीं खर्च की। हरगिज नहीं, कहने दीजिए उसे, उसने बहुत सहा है और मैंने भी। अब बस कीजिए। भाई तुम चाहती हो मैं कुछ ना कहूं तो ठीक है, फिर भी इस हिसाब को एक मिनट के लिए देख तो लो। दिखाओ क्या है ये, कहां से आया ये हिसाब किताब? बताओ कहां से आया ये हिसाब किताब? अरे भाई रामदास हिसाब किताब के मामले में तुम तो जानते हो रामदास का कोई जवाब ही नहीं था। भाई तिल तिल का हिसाब जो रखा उसने। हे भगवान रामदास, बस कीजिए, बहुत हो गया रामदास का बखान। जब देखो रामदास ये रामदास वो, फूटे करम मेरे जो मैंने उसे देखा। तुम ये बम की तरह फट क्यों रही हो? ऐसा मैंने क्या कह दिया? जब देखो बंदूक प्रेम की माला जपाए रटते रहते हो, रामदास ये रामदास वो, पता नहीं क्या क्या। आपने कभी कभी आपने विचार किया, कभी सोचा कि वो क्या सोचता था आपके बारे में? नफरत करता था वो, नफरत जलता था वो आपसे। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ मैं, मुझे मालूम था, पर ठीक है। आप जानते थे? हाँ भाई, पर उस बेचारे को कभी सफलता नसीब ही नहीं हुई। मुझसे कहीं ज्यादा होशियार था, सुंदर और स्मार्ट भी। मिट्टी को छूता था तो सोना बन जाती और मैं ठहरा मेहनती कोलू का बैल। वह मुझे बहुत ज्यादा काबिल भी नहीं समझता था और ये बात तुम जानती हो। असली सफलता का हकदार था वो, मुझसे कहीं ज्यादा। पर मैं क्या करता, उसे बेघर तो नहीं छोड़ सकता था। और अब ये सब तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? जी उलझ गया है मेरा। हेलो, यस, हाँ रोहित तो घर पर नहीं है, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। हाँ आप उसके मोबाइल पे ट्राई कीजिए, आपके पास नंबर तो है। अभी मीटिंग में है, एक घंटे तक आ जाएगा। थैंक यू। सुनो, रोहित का मोबाइल अभी तक स्विच ऑफ क्यों है? क्या वो दोनों अभी तक रेस्टोरेंट में होंगे? वैसे मैंने दोनों को समझाया था, साफ साफ कहा था, वातावरण को देखकर, और जब विदु और अश्विन आपस में बात करने लगे तभी उसे अकेला छोड़। और वैसे हेमा बहुत समझदार है, निपुण भी, उसे पता है वहां से कब और कैसे निकलना चाहिए। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन फोन किसका था? बैंगलोर से फोन था, रोहित के लिए, जॉब के ऑफर के लिए। वो चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, सुबह से तीसरी बार आ रहा था फोन। भाई वाह, बहुत अच्छा हुआ ये तो।
अच्छा तो है लेकिन जॉब ऑफर बैंगलोर का है। तो क्या हुआ उस जैसे होनहार लड़के का, आखिर धारवाड़ में भविष्य भी क्या था? और हम क्या करेंगे, बोरिया मिस्त्रा बांधकर बैंगलोर जाएंगे? हाँ मैं बैंगलोर नहीं जाऊंगी, मैं शिफ्टिंग नहीं करूंगी, बता देती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो भाई तुम क्या ये समझती हो कि उसकी जॉब धारवाड़ में लगती तब भी वो तुम्हें अपने साथ रखता? नहीं सच कहूँ बहुत चाहे हमें अपने साथ रखने को बुलाए लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। इस जन्म में मैंने जितने बच्चों को पालना था चीखने चिल्लाने पोतड़े छोतड़े जब कर लिया मैंने, अब बस अब मैं और नहीं कर सकती। मुझे याद है एक दिन की घटना, तुम उसे दूध पिला रही थी या नहला रही थी ऐसा ही कुछ कर रही थी और मैं तभी वहाँ, वह विधु जोर जोर से रोए जा रही थी, मैं तभी वहाँ से गुजरा और मैंने गहरी आवाज में कहा कौन रो रहा है भाई कौन है वो? तो उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और बोली मैं हूँ अप्पा और फिर जोर जोर से रोने लगी। देखो कितनी जल्दी सब वक्त बदलता है ना। बिल्कुल अम्मा आपके लिए चाय। थैंक यू राधा भाई। अप्पा आपके लिए हॉर्लिक्स। ओह हाँ अम्मा वो आपने ना याद दिलाने को कहा था, वो रोहित को लाने को बोला था ना, वो अरे 2 किलो आटा और 1 पैकेट बल्ब और हाँ 2 नारियल। मैंने हिमा को बता दिया वो ले आएगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मुझे सब याद है। जब भी हमारा ट्रांसफर होता और हमें हमें बोरिया पिस्तरा बात कर जाना पड़ता तो विधु मुझसे जिद करती, कहती मैं उसे गोद में उठाऊं और पूरे घर की सैर कराऊं और वो पूरे घर को हर एक कमरे के बल्ब को टाटा टाटा करती। वो किचन से शुरू होती टाटा बल्ब, वहां से वो बाथरूम तक ले जाती टाटा बल्ब और फिर खींच के नीचे गैराज तक ले जाती टाटा बल्ब, हर एक कमरे को टाटा बल्ब टाटा लाइट। हर छह महीने में मेरी बच्ची का बचपन वो टाटा बल्ब टाटा लाइट करते करते बीत गया। अरे भाई तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जब ट्रांसफर होता है तो हर सरकारी नौकर को एक नगर से दूसरी जगह नई जगह शिफ्ट होना ही होता है, क्या यह सब हमारे साथ ही हुआ? लेकिन जरूरी नहीं था नौकरी में रहना, चाहते तो इस्तीफा देकर अपना काम कर सकते थे, कितने अच्छे थे आप अपने काम में, अव्वल थे अव्वल। हाँ भाई जानता हूँ मैं, अपने काम में तो मैं बहुत ही स्मार्ट था, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। और हुबली में कितनी मिन्नत की थी आपसे कि भाई इस्तीफा दे दो प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करो, कितने बढ़िया थे आप अपने काम में, कितना मानते थे लोग आपको वहां पर। तो तुम्हारा मतलब हमारे 3-3 बच्चे होने के बाद मुझे नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, मेरी मत मारी गई थी जो मैं परिवार समेत दर बदर तुमको लेके ठोकरे खाता फिरता और तुम सबको फुटपाथ के हवाले करता क्या? दर बदर फुटपाथ क्या बोल रहे हो आप, डॉक्टर शानबाग ने कितनी खुशामद की थी आपसे, कहा था इस्तीफा दे दो उसको ज्वाइन कर लो, आज उसके पास 2 मंजिला हॉस्पिटल है और 1 आलीशान मकान, और आपको तो जोखिम उठाना नहीं था। वैसे हम विधु बेचारे को क्या दोष देते हैं, है तो आप ही की बेटी ना। हाँ भाई इसमें भी गलती मेरी ही है। हाँ जी आप ही की गलती है, 40 साल आपने नौकरी की और क्या कमाया, आज हमारे पास एक घर तक नहीं है। तुम्हें अगर मकान की इतनी ही पड़ी है तो ठीक है भाई, मैं उससे हेमा से बोल देता हूँ और वो कहती भी है कि इस मकान को वो खरीद कर हमें दे देगी, तो ठीक है मैं बोल देता हूँ। हरगिज नहीं, हमने हमेशा उसको एक अनाथों की तरह पाला, जब भी आपका ट्रांसफर होता कभी चाची के घर तो कभी मामी के घर भेज देते, और जब शादी करके परदेश जा रही थी तो खाली हाथ भेज दिया, पर हम उससे बोलेंगे हमें मकान लेके दे, बिल्कुल नहीं। गायत्री बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए सुबह शाम खटता रहा, परिवार के लिए मेहनत करते करते मेरे हाथों की उंगलियां घिस गईं,
और उसके बदले में तुमसे मुझे ये मिलता है, ये है तुम्हारी कृतज्ञता। क्या हुआ पा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, सब चैन से शांति से अच्छे से बात कर रहे हैं, और वैसे भी शादी के 40 साल बाद कहने सुनने को बचता ही क्या है सिवा घुटनों के दर्द के। ये बता वहाँ क्या हुआ? रोहित और मैं रहे उनके साथ कुछ देर तक, फिर हम लौट आए वापस, उनको अकेला छोड़ दिया। वो कैसा है? आपने उनको वीडियो कॉल पे तो देखा ही है, वैसा ही है, सुंदर, एक्चुअली उससे भी सुंदर, मिलनसार। चलो बेटा ठीक है, भगवान का शुक्र है, कम से कम अब मैं चैन से भी बैठ सकता हूँ, और यहाँ कुशन कवर को भी अब आजादी मिल जाएगी। एक्चुअली अब उन दोनों के बीच जो कुछ भी होगा उसी से पता चलेगा, बात बनेगी या बिगड़ेगी। चलो अच्छा हुआ, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक होगा। हाँ राधा भाई, और ये लो तुम्हारा नारियल और आटा। आटा मारी माँ ये पल। अरे वाह, ये तो ये अच्छा किया। राधा भाई सीढ़ी लेके आ, मुझे विद्युत के कमरे में नया बल्ब लगाना है। माँ ये रोहित को बोल दो ना, वो टैक्सी वाले को पैसे दे के आ रहा होगा, वो लगा देगा बल्ब। ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चढ़ जाने दो। बेटा ये रख लेना। अरे हेमा, तीन बेटे, तीनों के तीनों परदेश में, और शादीशुदा। हेमा इधर आओ। मैंने अपने दोस्त फडनेस के बारे में तुम्हें बताया था क्या? नहीं बताइए। फडनेस अपने बेटों की बड़ी सेखी बगाड़ता था, उसके तीन बच्चे तीनों के तीनों यूएस में। अब फडनेस साहब की किडनी बोल गई, फडनेस साहब आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनका बड़ा बेटा लीव लेकर आया, और वो उसकी भी छुट्टी खत्म हो गई, पर फडनेस नहीं मरा। जब अगली बार फडनेस ने फिर खाट पकड़ी तो दूसरा बेटा छुट्टी लेकर आता है, लेकिन फडनेस इतना बेशर्म, उसने फिर भी जाने की जहमत नहीं उठाई। अब सुना है, मजे की बात यह है कि तीसरा जो बेटा है उसने कहा कि अम्मा अगर अप्पा इस बार नहीं मरे तो मैं अगले 2 साल तक नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बीवी और बच्चों को मालदीव ले जाने का प्रॉमिस जो कर रखा है। अप्पा आप ऐसी बातें कैसे कर सकते इतने शुभ अवसर पर?
अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता या ज्यादा जोक अराउंड मजाक नहीं करता. वैसे इफ आई रियली वांट आई कैन बी वेरी चार्मिंग. हम जिन रिसेप्शन में साथ में तुमने तो मुझे देखा ही, किसी का भी दिल उड़ा ले जा सकता हूँ. तो फिर आजकल तुम्हारे साथ इतना कम की बात है. यू मस्ट बी वंडरिंग इसी इसका कारण यह है. अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल क्राइसिस more reading.
or I'll give you his books when you come with me to the States. But there are no spiritual moorings left. And that's what... You see, mere paas to puri duniya se, jagah jagah se, har tarah ke rishte. You can imagine, kahan kahan se. But I wanted to come to India. Because in India, mein hi purity, pavitrata, sanskar, and tumhari jaisi ladki ke liye to spirituality ekdam khoon khoon mein behti ho. I can see it in her eyes. I was so shocked and disappointed that your passport has been prepared for your family and your family. If you were excited to come with me, if you're excited to go with me, you could have just told me. And it's like, anyway, I don't want to make a big deal out of it. It's just that, I don't want to talk about all this on the phone. These are from the depths of my soul. बाग विच शाम दे वैराग विच किसे मैनू मोया है मेरे अपने राग विच रुखां दी हवा आखे सोनिया तेरे मेरे राग विच कोई आके वसया है दिल दे मकान विच पत्रा दे चा विच अंबरा दे सा विच कोई आके हसया है सुरा दे निका विच चन दी रजा आखे सोनिया तेरे मेरे राग तेरे मेरे राग कौन
इसके ढक्कन पे बैठ जाओ प्लीज, बंद ही नहीं हो रही है। अच्छा राधा भाई, माँ कहाँ है? अरे आराम कर रही है, बेटी को विदा तो जो करना है। आ रहे हैं रोहित मिथिला, कैब आ चुकी है। बंद हुआ? हाँ हाँ ठीक है, तुम कर दो, बंद हो गया। अच्छा सुनो, जब हम जाएंगे ना तो वो पड़ोस वाला लड़का विवान है ना, वो यहाँ आएगा। अच्छा वही लड़का जो मोटी मोटी किताबें ले जाता है हमारे घर से? अच्छा एक बात बताओ, वो इतनी मोटी किताबें एक दिन में पढ़ जाता है क्या? या तो वो बहुत होशियार है या बिल्कुल फुद्दू है वो। हाँ हाँ वही, अगर वो यहाँ आए और कोई भी किताब दे तो उसे मेरे लिए साइड पे रख दे। ठीक है, किसी को देना मत। मैं किसको दूंगी भला? विदु और ये रोहित तो जा चुके होंगे बैंगलोर, और हाँ बच्ची अकेली, अम्मा मैं किसी को नहीं दूंगी। अभी सिडनी में आधी रात हो रही होगी इसलिए फोन नहीं कर रही, मैसेज कर देती। तुमने उससे बात की है? अभी नहीं करी, कर लूंगी। कब करोगी? स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे? देखो ये काम मेरे ऊपर मत छोड़ना, मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं करूंगा। कर लूंगी मैं। अरे ये देखो, विदु ने अपने सारे के सारे लेबलों पे अपने माइके वाला नाम लगा रखा है, विदुला नाट करनी। ऑनेस्टली विदु क्या है? सॉरी जल्दी जल्दी में भूल गई होंगी। जल्दी जल्दी में भूल गई? अपने शादी के बाद वाला नाम भूल गई? कानूनन मेरा नाम क्या है मैं यकीन के साथ अब कह ही नहीं पाती। क्या फर्क पड़ता है हिम्मत का? अश्विन कहता है कि मुझे अपना मायके वाला नाम ही लगाना चाहिए। शायद स्टेट्स में फिर बदल लो, पर अभी तो तुम्हारे टिकट पे और पासपोर्ट पे शादी वाला नाम ही है। रामदास काका के सिलसिले के बाद मैं यकीन से कह ही नहीं पाती कि मैं हूँ कौन। ऐसा लगता है जैसे मेरा नाम मुझसे फिसलता जा रहा है। मैं बदल देती हूँ पहले। अरे बुद्धू छोड़ो, अभी बैंगलोर में कर लूँगा, तुम्हारे पास पूरा एक दिन होगा। एक्चुअली रोहित और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। अभी आपको देर नहीं हो रही? देखो रोहित जरा इधर तो आना। देखो कुछ बातें होती है जो की नहीं जाती, बहुत मुश्किल होता है, और कुछ बातें तो इतनी हद तुम तो देख ही रही हो कैसी हद हो रही है। बात अश्विन की है, तुम्हारे और उसके बीच सब ठीक तो है ना? तुम तो जानती हो कैसा होता है होटल में 8 दिन, पॉजिटिव सेक्स या एक दूसरे की आदत डालनी, पता नहीं। पर तुम तो कह रही थी वो बहुत कम बोला। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, आई कांट ब्लेम हिम। उसने कहा था एक बार मैं यूएस आ जाऊं तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान जाए। देखो एनीवे तुम वहाँ जाओगी तो सब ठीक होगा, हम जानते हैं, पर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम उसके साथ नहीं रह पा रही, तुम्हारी और उसकी बन नहीं रही, तो मैं क्यों नहीं रह पाऊंगी उसके साथ? ऊटपटांग बातें मत करो, इतने दिनों में उसने भी कुछ खास कम्युनिकेशन तो भेजे नहीं है, सिर्फ 6-7 ईमेल, फोन कॉल्स, वो भी 1 या 2। मैंने कहा ना वो मेरा इंतजार कर रहा है। देखो हम जानते हैं तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर फिर भी अगर तुम्हें कभी भी लगे तो। हाँ तो हेमका ये कह रही है अगर तुम कभी अश्विन को डिवोर्स करके वापिस आना चाहो तो झिझकना मत। हाँ तुम इसे डिवोर्स दे देना, तुम इसे छोड़ देना, तुम पक्की बॉडी करने से डरती हो, यू आर टिमिड। देखो हम नहीं चाहते कि तुम दुनिया के डर से, हमारे डर से कोई भी हिंसा हो। Anyway, तो जो भी डिसीजन लोगे हम तुम्हारे साथ हैं। और हम मॉडर्न वर्ल्ड के हैं, ये कोई बाबा आदम का जमाना तो है नहीं। डिवोर्स इज ओके, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं अश्विन को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं उससे कभी अलग नहीं। देखो हम तुम्हें ये थोड़ा कह रहे हैं कि करो। ऑफ कोर्स, ऐसी नौबत ना आए तो सबसे ज्यादा खुश तो हम ही होंगे। अश्विन ज्यादा ना भी बोले पर शादी से उसकी क्या उम्मीदें हैं ये उसने मुझे साफ साफ बता दिया था। एंड आई अग्री, मैंने मछली खाना भी छोड़ दिया है।
आई नोटिस्ड। तुम हमेशा कहते हो ना मैं पक्की पौड़ी करने से डरती हूँ, आई एम टिमिड। मैंने इस बार फैसला किया है, मैं कदम उठाऊंगी। आप इस बात से खुश तो है ना? बट अश्विन का क्या? अश्विन का क्या, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मेरा पति है। आखिर हमें चलना चाहिए। मैं ठीक रहूंगी, आई विल बी फाइन। एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, और फिर एक शिकारी आया। एक मिनट, एक मिनट, बीमार है बेचारी। बैठो बैठो बैठो। अरे हेमा, बात तो सुनो बेटा। वो हमें बड़ी खुशी हुई कि बेटा आप लोग गए नहीं, घर पे ही हो। अंकल हम जा ही रहे थे, माँ की वेट कर रहे हैं बस। अरे सच कहें तो हम स्टेशन गए थे, ट्रेन 40 मिनट देर से जाने वाली थी, तो हम यहीं आ गए। हाँ भाई, हमें तो टेंशन हो रही थी कि पता लगा हम यहाँ आए और आप लोग ट्रेन चले गए। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए बैठिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अरे रोहित सुनो बेटा, बात सुनो। देखो ऐसा है, मैंने वहाँ हैदराबाद में जिया जी से बात की है। हाँ हाँ ठीक है, जिया जी से बात की है, उनकी फर्म का एक गेस्ट हाउस है सुंदर सा, तो तुम विदुला हेमा वहाँ आराम से रुक सकते हो। कल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने अपने कजन्स को बोल दिया उनके साथ रहेंगे। हैं कजन्स? हाँ जी। कौन सी कजन्स? वो कुलकर्णी जी। अरे वो कुलकर्णी जी, उनका तो 2 बेडरूम फ्लैट है बैंगलोर में, मतलब खुद ही 5 लोग घुसे भरे रहते हैं, तो तुम्हारा तो सामान भी नहीं आएगा। हाँ और सुनो विदुला, अरे हेमा आओ इधर आओ, छोड़ो वो नहीं। देखो बेटा ऐसा है ना, जिया जी ने ये भी कहा है कि तुम लोगों को स्टेशन तक पिकअप करने के लिए वो एक ऑफिस की गाड़ी भेज देंगे, बड़ा आराम रहेगा। वो तुम्हें गेस्ट हाउस ले जाएगी और पूरे बैंगलोर में घुमाएगी आराम से। देखिए उनको कहिए कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। तकलीफ कैसी? अरे तो तुम बैंगलोर में घूमोगे फिरोगे कैसे? ऑटो रिक्शा की कोई कमी नहीं। अरे रोहित बेटा बात सुनो, देखो ऐसा है, हाँ हाँ ठीक है, मैं दूसरी बात करूँ। देखो ऐसा है कि वहाँ पे बैंगलोर में जो है ना, विदुला बार बार तो आएगी नहीं, गाड़ी रहेगी, तुम लोग आराम रहेगा, आराम से रिश्तेदारों से मिल पाओगे, है ना? तो मैं तो गुड, तो मैं जिया जी को खबर कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं बाद में फोन कर दूंगा। तो रोहित बेटा एक बात बताओ, गाड़ी में सफर कर दिया सारा? हाँ थोड़ा बचा है, बाकी रखा है। और ये जो सामान का वजन है करवा लिया? देखो रास्ते में अगर तुमने बिना एक्सेस बैगेज पे किए सफ़र किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने मुझे पता है, इसलिए माँ को रवाना करने के चक्कर में लगा हूँ। माँ को रवाना करूँगा, वो सामान का करवा देंगे। माँ? अरे भाई हम किस लिए हैं यहाँ पे? तुम यार एक काम करो, गाड़ी तुम आओ आराम से। अगर ऐसे, अरे तुम रखो, तुम आराम से आओ, हम चलते हैं स्टेशन में सामान लेके, गाड़ी लेके, और आना आराम से, हम बैगेज पे कर देंगे पहले से। हाँ ये रहा सामान, ये मैं रखवा देता हूँ आपके साथ। नहीं है? हाँ जी ये लो, ये लीजिए ले जाओ। हाँ 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 कर लेंगे आप, कर लेंगे। गॉड इनका भी जवाब नहीं। ठीक तो कह रहे रोहित, कोई नहीं, हम ये वाला सामान पीछे पीछे चलते हैं इनके साथ लेके। हाँ ठीक ही कह रही हो। माँ स्टेशन पे मिलूंगा, अप्पा विदु को बैंगलोर से विदा करके 2 दिन के बाद आ जाऊंगा। Thank you.
अब मैं तुझसे क्या कहूँ? तेरे अब्बा और मैं शादी से पहले दो चार बार मिले थे चाय पर, और सुना तेरे अब्बा और अम्मा ने तो शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। शादी वाले दिन वरमाला डालते नहीं था। अब मैं तुझे ये क्यों बता रही हूँ? मेरी उम्र तो बीत चुकी है। मेरे अब्बा ने तो कॉलेज भी पूरा होने नहीं दिया और शादी कर दी। और शादी करते ही हेमा, रोहित और फिर तू हो गए। और उसके बाद तेरे अब्बा के ट्रांसफर और ट्रांसफर, मैं तो ठीक से घर भी ना बसा पाई। या फिर ये कहूँ कि मुझे तो घर मिला ही नहीं। पर मुझे उम्मीद थी, तुम लड़कियों से मुझे बहुत उम्मीद थी। कितना हुनर है तुम्हारे पास, कितना अच्छा नाचती हो गाती हो। ये हेमा, हेमा ने तो अपने ना किसी हुनर का यूज किया बिदू, खुश रहना। शादी तो है ही जुए का खेल। मानो मत मारो, सच तो यही है। वो प्रेग्नेंट थी, दिन गए थे उसके, पांव भारी थे, पर विदुला की नाजुक तबीयत की उसे काफी फिक्र थी, इसलिए घर नहीं भेजा। इस बात से मां के दिल को चोट लगी, गहरी चोट। फिर मिसकैरेज हुआ, पिताजी गुजरे, और मां ने तो एकांतवास को जैसे गले ही लगा लिया। हमारे धारवाड़ के घर में अकेली रहती है। विदुला फिर से प्रेग्नेंट है। वो मां को और हमारी बहन हेमक्का को चिट्ठियां लिखती है। अफसोस की बात है कि अपनी शादी के बाद मैं बैंगलोर आ गया और विदुला से संपर्क टूट गया। लॉस्ट टच। Thank you.
बचपी अखियां खेलो ना गुनगुनी डुबकी ले लो ना देयर इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द पास 3 बजे वाले पापा वो हैं आवेश राइट एंड विवान आयुष कल्चरल इंस्पेक्टर्स युवक दो शिवम 3 बजे वाले रोहित गर्वित विवान 3 बजे वाले कल्चरल इंस्पेक्टर युवक एक बारटेंडर कैफे बॉय चोपड़ा का बेटा एवरीथिंग इज माइन वंच Gopal. I'm sorry. Anand. And Sudhir Ji, Mohan, Dimple Meera, Ashwin Panje, Anurag. Vatsala Richa, Kashish Rohit. Vidula Yashika. Drama Queen Radhabai Pooja. Father Nagendra Ji. Vedita Hema, Neeta Gayatri / Mother, Teen Baje Wale Mohan, Teen Baje Wale Ashwin. गौरव शर्मा और ये गौरवमय वातावरण में आप लोग जो हमें सुन रहे थे देख रहे थे वो आप ही की देन। साउंड ऑपरेट बाय विक्रांत ऑल द माइक्रोफोन इफेक्ट्स एवरीथिंग नरेश भैया एंड लाइट डिजाइन बाय राधे भाई This play is dedicated to my teacher who is no more in this world, Mr. K.S. Rajendran. And he gave me that text when I was in drama school and I know I didn't achieve what he did when he did the play, but it's a small contribution to my teacher's tribute. Thank you very much for coming.